हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है 9 जनवरी है और सुबह के 10:30 बजे से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है और ये सेकंड वाली चाय बन रही है। और आप लोग अभी सोच रहे होंगे ये घर का पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, इतना धूला धक्कड़, इतनी मिट्टी हो रखी, ये सब मैंने क्या दिखा दिया। सो गाइस, तो आज हमारे घर का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो रखा है, बिल्कुल हाल बेहाल हो रखा है। आप पीछे से आवाज़ सुन रहे होंगे। तो फिलहाल जो है ना, आज सुबह से घर का झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग आज नहाए भी नहीं है। आज सुबह से ही मम्मी ने घर पे काम लगवा दिया है। तो बस घर पे तो वैसे पूरी फिनिशिंग है, लेकिन हमारे घर की साइड जो है ना सील, जो पूरी हमारे जब घर की जो पूरी लाइन है ना कॉलोनी की, तो पूरी जो है ना सीलन बहुत ज़्यादा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा सीलन है। तो फिलहाल जो है ना टाइल्स के ऊपर, पूरे घर में हमारे टाइल्स लगे हुए हैं दीवारों पे भी हाफ हाफ में, लेकिन दीवारों के ऊपर से जो है ना सीलन निकल गई थी और इस तरीके से पूरा फफूंदी छूट छूट के ऐसे गिर रही थी, ऐसे फफूंदी छूट छूट के निकल रही थी। तो मम्मी ने आज फिर से सुबह से जो है ना काम लगवा दिया है घर पे, कि जितनी जितनी सीलन ऊपर निकल गई है उतने उतने और ज़्यादा घिसाई करके फिर से उसमें टाइल्स लगवाए जाए घर में, ताकि कुछ दिन के लिए सीलन से राहत रहे। तो बस आज सुबह से घर पे वही काम लग गया है। तो बस पहले तो दीवारों के जितने में सीलन है उतनी दीवारों की घिसाई अच्छे से हो रही है और ये सारा घिसाई का ही नतीजा है कि घर पे पूरा धूल धूल मिट्टी मिट्टी हो गया है और हम लोग भी पूरा भूत बने हुए हैं, नहाए धोए बिल्कुल नहीं है। देख सकते हो आप घर में कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। तो पूरा बस वही सब घिसाई चल रही है, पहले घिसाई वाला सारा धूल मिट्टी वाला काम हो जाएगा। और सब लोग अपने अपने रूम में घुसे हुए हैं, सब ने अपने अपने रूम के दरवाजे बंद कर रखे हैं। ये देखो निकल आए अभी, इधर खुला इधर खुला अभी निकल आए। तो फिलहाल सब लोगों ने रूम अच्छे से बंद कर रखा है, क्योंकि क्या है ना इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और एक साइड यहाँ मम्मी भी अंदर पूरा बंद करके नाश्ता वास्ता बना के खिला के मम्मी भी लेटी हुई है। फिलहाल इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना कि बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर के लिए काम रुका है, तो थोड़ा अभी रिलैक्स हो गया है, धूल सारी निकल गई है। हम लोगों ने सामने वाला गेट खोल दिया था तो, लेकिन अभी पूरा आप देख सकते हो कितना मिट्टी है। और बाथरूम में काम हो रहा है, अभी बाथरूम से स्टार्टिंग हुई है, तो बाथरूम में पूरा इसी में घिसाई हो रही है अच्छे से, तो इसी की सारी धूल मिट्टी पूरे घर में फैली हुई है। सो गाइस, तो चलिए एक बार आप लोग भी देख लीजिए कि घर की हालत क्या हो रखी है। आप देख सकते हो चारों तरफ डस्ट डस्ट फैली हुई है और ये है बाथरूम, इसी में काम चल रहा है, इसी में जो है टाइल्स और लग रहे हैं तीन तीन रदा ऊपर से। तो बस ये हमारी गली का ना पूरा ही, मतलब सबके घरों में दिक्कत है, घर चाहे नए बने हो चाहे पुराने, सबके घरों में जो है ना सीलन आने लगती है। तो ये जो है ना हमारे घर की भी पूरी फिनिशिंग, पुट्टी, पीओपी, पेंट, ये सब कुछ जो है ना 4 साल पहले ही हुआ था हमारे देवर जी की शादी में के टाइम पे। लेकिन जो है ना अभी देखो 4 सालों में सारी सीलन इतनी बुरी तरीके से आ गई है ना कि टाइल्स के ऊपर से छूट छूट कर गिरने लगी है। तो इसी वजह से जो है ना बाथरूम में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से मम्मी ने सबसे पहले बाथरूम में काम लगवाया कि जहाँ जहाँ तक सीलन है मतलब वहाँ वहाँ तक टाइल्स फिर से करवा देते हैं। तो उसी लिए जो है ना घिसाई हो रही है और आप देख सकते हैं पूरे घर में कितना चूना फैला हुआ है, कितना डस्ट फैली हुई है, पूरा घर धूल मिट्टी से भर गया है। फिलहाल आज ठंड बहुत ज्यादा है, सुबह से भयंकर कड़कती बारिश हो रही है बहुत तेज। तो फिलहाल अभी मैंने बनाई है नाश्ते के बाद, नाश्ते में मम्मी ने दलिया बनाया था और मैंने अभी बनाई है सबके लिए चाय। तो चाय हमने जो है ना मैंने आगे वाली किचन में ही बनाई है, क्योंकि मेरी किचन में इतनी ज्यादा धूल मिट्टी थी ना, क्योंकि बाथरूम में घिसाई हो रही थी, पूरा धूल ही धूल मिट्टी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सिवन की है, सिवन किचन में मैंने चाय बनाई। तो चलो चाय बन गई है, अब फटाफट चाय छानते हैं बढ़िया गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। आ जाओ अभी चाय पिए। बन गई है, सब कुछ पड़ा है उसमें, सब कुछ पड़ा है, बस छानना है। हाँ इतने लोग हैं ना, उधर उन लोगों के कप होंगे, चाय छानते चाय पियेंगे। उसके बाद मैंने सिवानी डिसाइड कर रखा है भाई चाय वाले कि हम लोग निकल जाएंगे बगल में सिलानी वाले प्लॉट में और वहाँ पे आग जला के बैठेंगे, क्योंकि यहाँ तो मिट्टी में बैठा नहीं जा रहा है, इतनी ज्यादा धूप हो रही है। दोस्तों यहाँ पे ये हमारी सुबह की जो है ना सेकंड वाली चाय है। आज ठंड बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे जब लेबर मतलब जो हमारे मिस्त्री अंकल हैं तो वो जब काम करने के लिए आ जाते हैं ना, तो उनके आने के बाद फिर से एक बार चाय बनती है, हम लोग उनको चाय पिलाते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना। तो भाई ठंड तो सभी को लगता है, जब गर्म गर्म चाय पियेंगे तभी थोड़ा शरीर में फुर्ती आती है और तभी काम तेज़ी से होता है।
तो बस यहाँ पे मिस्त्री अंकल जी के लिए चाय बनी थी और उसी के साथ हम लोगों ने अपने लिए भी एक कप चाय बनाई थी। तो यहाँ पे चाय वगैरह हो गई है और हम लोग जो है ना सारे घर के दरवाजे प्रॉपर अच्छे से बंद करके, पर्दे बंद करके ये पीछे वाले रूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा धूल है, इतना डस्ट है ना कि घिसाई हो रही है ना बाथरूम में, तो वो मशीन से हो रही है, तो इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है ना कि बाहर जैसे लग रहा है कि पूरा ये सर्दियों वाला बिल्कुल कोहरा छा गया हो, कि इस पार से उस पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और सांस लेना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो हम लोगों ने दरवाजे को खिड़कियों को अच्छे से बंद कर रखा था और जहाँ जहाँ से थोड़ी बहुत सांसें थी कि डस्ट आ सकती थी वहाँ वहाँ हम लोगों ने कपड़ा दफ्ती जो हो सकता था लगा दिया। तो बस ये पीछे वाला ही रूम सेफ है और ऊपर वाले पोर्शन को पूरा लॉक कर दिया था कि डस्ट ना जाए, वरना जो है ना सफाई अच्छे से करनी पड़ेगी। फिर भी कितना भी करो डस्ट तो चली ही जाएगी और सफाई भी हमें करनी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था हमने उतना बचाव किया। तो यहाँ पे देखो ये मैंने दिखाया था आप लोगों को, मैंने नए साल में जो ना अपने लिए सॉक्स बनाने के लिए सिलाई बुनाई करना शुरू किया था, तो मेरे करते करते बुनाई जो है ना शिवानी के हाथ में पहुंच गई। कभी मैं बिन लेती हूँ तो कभी शिवानी बिन देती है। तो बस इसी तरीके से एक कमरे में बंद बंद हमारा पूरा दिन निकल गया। बस यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो चारों तरफ इतनी धूल इतनी डस्ट थी ना कि समझ में नहीं आ रहा था खाना खाएं या ना खाएं। शिवानी तो कह रही थी कि भाभी रहने देते हैं, खाना नहीं बनाते हैं, सीधे शाम को साफ सफाई करके शाम को ही बनाएंगे। लेकिन भाई मुझे तो यहाँ पे लगी थी बहुत जोरों की भूख और मुझे आज अरहर की दाल और चावल खाने का ही मन कर रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा किचन साफ सुथरा करके सिर्फ दाल चावल सिंपली तरीके से बना लेते हैं और कुछ नहीं बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले मैं किचन में आई, थोड़े बहुत जो बर्तन चाहिए थे उनको बर्तनों को अच्छे से कपड़े से पोंछ कर साफ कर दिया और अपनी गैस साफ की और यहाँ पे मैंने अरहर की दाल बनाया। अभी यहाँ पे मैं अरहर की दाल में तड़का दे रही हूँ लहसुन प्याज हरी मिर्च कड़ी पत्ता से सिंपली तरीके से और जीरा हींग। तो बस यहाँ पे अरहर की दाल मैंने बनाई और गर्मा गर्म चावल बनाए आज। तो मतलब कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था करे क्या। आज तो सुबह से हम लोग नहाए भी नहीं है क्योंकि 9:30 बजे मिस्त्री अंकल आ गए थे और उसके बाद ये डस्ट धूल मिट्टी वाला काम शुरू हो गया और हमारे जो है थर्ड फ्लोर पे छत पे जो भी कुछ काम होना बाकी वहाँ पे भी प्लास्टर होना बाकी है और आपको बैक से आवाज ये धूम धड़ाम और कूटने पीटने की आवाजें आ ही रही होंगी क्योंकि घर पे काम जोर शोर से चल रहा है। तो छत पे भी मोरंग और बालू जो भी होती छत पे भी जो है ना लेबर चढ़ा रहे थे, तो पूरे घर में मोरंग बालू और एक तरफ घिसाई हो रही थी, डस्ट पूरी तरीके से फैल रखा था। तो शिवानी करी थी कुछ नहीं खाते, लेकिन मैंने कहा नहीं यार भूख लगी है और अभी शाम को बिल्कुल सफाई बहुत ही डट के करना पड़ेगा, तो भूख लगी है फिर तो भाई भूख में सफाई तो नहीं हो पाएगी, इसलिए खा पी के टन होके बैठते हैं ताकि शाम को साफ सफाई करनी पड़ेगी, तो जो है ना आराम से साफ सफाई कर ले खाने की टेंशन ना रहे। तो यहाँ पे अरहर की दाल और चावल हम लोगों ने बनाया और बैठकर अरहर की दाल और चावल खाया। उसके बाद शाम को यहाँ पे करीब 4 बजे घिसाई वाला काम सारा कंप्लीट हो गया था। अंकल जी ने बोला कि अब घिसाई वाला काम खत्म हो गया, अभी आप लोग अपना घर क्लीन कर लो। तो यहाँ पे फिर जो है ना मैं मम्मी और शिवानी तीनों जो है ना मुंह पे कपड़ा बांध बांध कर, क्योंकि सांस लेना भी इतनी धूल में मुश्किल था, कपड़े बांध बांध के जो है ना हम लोग पूरे घर की साफ सफाई करने में लग गए। मैं सारा पूरा ऊपर से छत से पूरा झाड़ू लगाते हुए और दीवारों को झाड़ते हुए डस्ट झाड़ते हुए आ रही थी। शिवानी और मम्मी जो है नीचे पूरा साफ सफाई करने में लगे थे, कमरे की एक एक चीज पोंछने में, किचन को साफ करने में, क्योंकि आज जो है ना हमारे घर का जितना भी सामान था, जितना भी बर्तन था, जितनी जो भी चीजें खुली थी वो प्रॉपर पूरी तरीके से वाइट हो गई थी, सबका रंग सफेद हो गया था, सब एक ही रंग में बिल्कुल हो गई थी। तो पूरी चीजों को अच्छे से झाड़ झाड़ के जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा तो रहे थे, चीजों को साफ तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी सफाई समझ में नहीं आ रही थी कि झाड़ू लगाने के बाद पोंछने के बाद वो फिर वैसे ही उतनी साफ सफेद दिखने लग रही थी। तो मम्मी भी यही कह रही थी कि अभी वो एक दिन में ऐसे साफ नहीं होगा, उसको अब पहले जैसा साफ होने में 4-5 दिन लग जाएंगे। तो और अभी तो ऊपर छत पे भी प्लास्टर होना है ना, हमारे छत पे प्लास्टर का काम भी मम्मी ने लगवा रखा है, तो अभी बस नॉर्मली साफ सफाई कर लो और उसके बाद जो है ना धीरे धीरे साफ सफाई करती रहना। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बालू, कितनी धूल मिट्टी, कितनी डस्ट है और कितना भी साफ करके रखो ना, लेकिन फिर भी सफाई समझ में नहीं आ रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक बार कपड़े से अच्छे से साफ करके गई हूँ, सारी चीजें पोंछ कर गई हूँ, यहाँ पे मेरे से पहले मम्मी ने सारा पोंछा, उसके बाद फिर मैं दोबारा आई हूँ, फिर भी देखो हर चीज सफेद ही दिख रही है। तो फिलहाल जो है ना काम चलाऊ अभी साफ कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अभी कल आज घिसाई हुई है, कल घर में टाइल्स लगेंगे और उसके बाद फिर परसों से जो है ना ऊपर प्लास्टर का काम होगा, तो धूल मिट्टी का तो अभी एक हफ्ते हमारे घर में ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिर भी किचन को तो अच्छे से साफ कर ले रही हूँ और जब पूरा जो है ना घर में टाइल्स का काम खत्म हो जाएगा, प्लास्टर वगैरह प्रॉपर अच्छे से हो जाएगा, ये सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर किचन की एक दिन लग के मैं डीप क्लीनिंग करूंगी, सारे पेपर बदलूंगी, सारे डब्बे मुझे फिर से धुलने पड़ेंगे,
लेकिन अभी काम चलाऊ जो है ना साफ सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि क्या है ना रोज खाना बनाना, खाना नाश्ता बनाना, और उसमें अगर किचन में जरा सी भी डस्ट रहे, बर्तन या डब्बा जरा सा भी खिस खिस करे ना तो खाना ना खाने में मन लगता है और ना बनाने में। तो फिलहाल यहाँ पे मैं, मम्मी और शिवानी हम तीनों कमर तोड़ बिल्कुल मेहनत करने में लगे हुए थे कि जितना हो जाए घर को चमका ही लेना है। आप देख सकते हैं कि पूरी जो काले रंग की पत्थर है ना सफेद हो रखी है, और एक साइड मम्मी पूरा हर एक एक चीज को प्रॉपर अच्छे से टेबल को और अलमारियों को अच्छे से झाड़ रही हैं, और हमने बाहर का गेट भी खुला रखा हुआ था कि जो अंदर जितनी धूल मिट्टी उड़ रही है ना वो सब गेट से जो है ना बाहर निकल जाए और थोड़ा बाहर से हवा भी आए, तो हम लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे शिवानी भी जो है ना मुंह पे दुपट्टा बांध के एक एक चीज को पोछने में अच्छे से लगी थी और एक एक चीज को प्रॉपर अच्छे से साफ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, और मैं एक साइड अपने किचन में थी अंदर, मैं किचन से अंदर झाड़ू लगा कर लेकर आ रही थी। हम लोग यहाँ पे दो बार झाड़ू पहले लगा चुके थे और ये तीसरी बार फिर से झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि जितना भी लगाते जा रहे थे धूल मिट्टी कम ही नहीं हो रही थी। और आज तो इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया, पूरे दिन हम लोग ना रेस्ट कर पाए और पूरे दिन धूल मिट्टी में ऐसे ही बैठे रहे, बैठे बैठे आज तो हालत बिल्कुल हम लोग की खस्ता हो गई। तो आज वही लग रहा था कि भाई घर बनवाने में बड़ी मेहनत लगती है और घर का मेंटेनेंस रखने में भी बड़ी मेहनत लगती है। घर तभी चमकता दमकता है जब घर को प्रॉपर जो है ना मेंटेन करते रहे हम लोग, घर की मेंटेनेंस होती रहे। तो बस आज तो पूरा लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई आज तो। तो यहाँ पे अब नीचे झाड़ू वगैरह सब लग चुकी थी, साफ सफाई हो चुकी थी। मैंने तो आज सुबह नहाया नहीं था क्योंकि काम शुरू हो गया था धूल मिट्टी वाला, तो मैंने सोचा कि नहाने से तो कोई फायदा है नहीं। और शिवानी ने भी मुझे बोला कि भाभी आप नहाओ नहीं, क्योंकि नहाने से कोई भी फायदा नहीं है, अब आप सीधे शाम को ही नहाना। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने शाम की चाय पी और यहाँ पे अब जो है 8 बजे मैं नहा कर अपने हेयर वॉश करके अब आई हूँ बाहर। तो मैंने शाम को नहाया था, सर्दी बहुत जोरों की लगी थी, तो मम्मी ने और शिवानी ने मिलकर यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया आग जलाई और मुझसे बोला कि यहाँ पे आग के सामने बैठ के अच्छे से आग की सिकाई करो, बालों को सुखाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी, सर्दी लग जाएगी। और मुझे वैसे भी सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, मेरी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और यहाँ पे अभी भी आराम से अपनी चेयर डाल के आग के सामने बैठकर हाथों की सिकाई कर रहे थे, तो कभी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तो बस यहाँ पे आज मोहल्ले में सबके घर में आग जल रही थी क्योंकि आज ठंडी इतनी ज्यादा थी, और यहाँ पे सामने से आंटी आ गई थी, वो भी हमारे साथ बैठ के बढ़िया बातें कर रही थी और हम लोग आग भी से हाथ भी सेकते जा रहे थे और गप्पे भी मारते जा रहे थे। तो दोस्तों आज यही था हमारा आज का पूरा फुल डे का व्लॉग। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, हमारे वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा फुल वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए। तो बस आज का पूरा फुल डे का यही व्लॉग था कि इतनी कमर तोड़ मेहनत के बाद भी पता है घर पूरी तरीके से साफ नहीं लग रहा था, लग रहा था कि अभी कल फिर हमें उसी सफाई में फिर से जुटना है। चलिए बाय बाय।